म्यूजिक सो फ्रेंड्स फाइनली कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स अभी हमने प्रीव्यू पर जिसका न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस देखा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसी प्रकार का जो न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएट करके दिखाने वाला। फ्रेंड्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी शानदार और मज़ेदार होने वाला। फ्रेंड्स और जो वीडियो एडिटिंग का जो आपको ट्रिक बताने वाला काफ़ी सिंपल है और सब जो सिंपल ट्रिक से जो खतरनाक जो स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा। तो चलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला तो कैसे क्रिएट करना क्या करना। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उसमें ए टू जेड सेटिंग बताऊंगा और सब समझ में आ जाएगा। अगर आप इसी तरह का न्यू ट्रेंड है व्हाट्सएप स्टेटस से क्रिएट कर सकते तो चलो फ्रेंड्स ले चलते हो मोबाइल के होम स्क्रीन पर। उसके बाद को काइंड मास्टर का ओपन करना। ओपन करने के बाद उसका जो इंटरफेस है काइंड मास्टर का कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखने के पास में क्या करना, आपको सबसे पहले करेक्ट न्यू पे क्लिक करना, नया रिसोर्स सेलेक्ट करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक हो जाने के बाद में सेटिंग में जाना, वो एडिटिंग में जाना, यहाँ से फिल्स में सेलेक्ट करना, जो फोटो का डिस्टेंस फॉल्ड के रखना 0.6 पे और यहाँ से कट लगा देना। आज की जो फोटो एडिटिंग है काफ़ी सिंपल है, आप ये एडिट कर सकते हैं। 6 पॉइंट पे रख देने के बाद में क्या करना, सबसे पहले अपना गैलरी से कोई 21 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं अपना गैलरी से 21 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। 21 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद में क्या करना तो देख लीजिए, वीडियो बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ए टू जेड समझ में आ जाएगा। 21 फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद में कट लगा देना। आपको कट लगा देने के बाद में थोड़ा जूम कर लेना। जूम हो जाने के बाद फिर लास्ट तरफ आ जाना। देखो यहाँ कितना तक मैंने 21 मॉडल फोटो सेलेक्ट होकर 12 सेकंड 6 पॉइंट तो आएगा। फिर यहाँ से हो सके तो बुक मार्क ऐड कर देना। उसके बाद क्या करना, फिर से वो मीडिया पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में क्या करना, फिर से अपना गैलरी से यहाँ से फिर से एक बार को फोटो सेलेक्ट करना। कितना फोटो सेलेक्ट करना फिर से देख लीजिए आपको। इस बार फिर अपना गैलरी से 13 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट करना। जैसे कि अपना गैलरी से 13 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो मेरा 13 मेरा मॉडल्स फोटो सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ तक हो जाने के बाद में कट लगा देना है। कट लगा देने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ तक आ जाना। अभी जो फोटो लिए थे 13, तो फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना। फिर इसका जो ड्यूरेशन को रख देना इंक्रीज करके रखना 1 सेकंड और 8 पॉइंट पर। जैसे कि मैं 1 सेकंड और 8 पॉइंट पर रख देता हूँ और यहाँ से वो कट लगा देना। उसके बाद को फर्स्ट तब आ जाना। फ्रेंड्स पहले सॉन्ग ऐड करना। सॉन्ग ऐड करने के लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और जो सॉन्ग है फ्रेंड्स वीडियो में, उस वीडियो में सबसे पहले अपना गैलरी से सिलेक्ट कर लेना। नीचे ना फिर मिलेगा अट्रैक्टिव ऑडियो का ऑप्शन पे क्लिक करके साउंड बाहर निकालना, वीडियो वहाँ से डिलीट कर देना। तो इतना हो जाने के बाद से देखो जो फोटो बीट के साथ परफेक्ट एकदम एडजस्ट हो चुका है, उसमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाला। उसके बाद को कुछ इस तरह से यहाँ तक आ जाना। फिर से बुक मार्क ऐड कर देना। आपको अगर ऐड होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ देना। फ्रेंड्स तो आपको देख लेना यहाँ तक फोटो एडजस्ट किया 21 सेकेंड और 6 पॉइंट तक। उसके बाद फिर से मीडिया पर क्लिक करना। फ्रेंड्स फिर से अपना गैलरी में आ जाना। फिर से आपको अपना गैलरी से फोटो सेलेक्ट करना है। तो इस बार कितना फोटो सेलेक्ट करना फ्रेंड्स तो देख लीजिए। इस बार फिर से जो 13 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं अपना गैलरी से 13 मॉडल्स फोटो फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देखो मैं फोटो एडजस्ट करने का काफ़ी सिंपल ट्रिक है। 13 फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद में फोटो जहां तक आप पहले सेलेक्ट किए थे कुछ इस तरह से 21 सेकंड और 6 पॉइंट, तो उसके बाद जो फोटो भी सेलेक्ट किए 13 नंबर पे फिर से फोटो पर क्लिक करना। फिर इसका जो ड्यूरेशन इंक्रीज कर देना है। इसका जो ड्यूरेशन प्रोडक्ट देना है 2 सेकंड के आसपास लगभग। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, देख लेता हूँ फोटो कहाँ रहेगा। तो इसको 2 सेकंड पर रख देना फ्रेंड। जैसे कि मैं 2 सेकंड पर रख देता हूँ तो बस मेरे को फोटो एडजस्टमेंट हो चुका है, इसे डन कर देना। डन हो जाने के बाद में देखो फोटो एडजस्ट नहीं हुआ, तो 2 सेकंड में 1 पॉइंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं उसमें 1 पॉइंट इंक्रीज कर देता हूँ। इसका जो डिस्टेंस रख देता हूँ मैं 2 सेकंड और 1 पॉइंट पर रख देना आपको, ठीक है। 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पर रख लेना। तो अगर जी अपने हिसाब से रख लो, मैं 1 पॉइंट पर रख देता हूँ तो इधर लगता है परफेक्ट एडजस्ट हो चुका नहीं हुआ, तो फिर से इसमें 1 पॉइंट में इंक्रीज कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 2 पॉइंट पे, 2 सेकंड 2 पॉइंट पे। तो बस मैं इधर, उसके बाद तो मेरा फोटो जो बीट के साथ परफेक्ट एडजस्ट हो ही चुका है। उसके बाद को क्या करना है देख लीजिए, इफेक्ट ऐड करना। इफेक्ट ऐड करने के लिए अपना फर्स्ट तरफ आ जाना। आपको फर्स्ट तरफ आ जाने के बाद जो फर्स्ट फोटो इस पर क्लिक करना, आपको क्लिप ग्राफ्सी में जाना। क्लिप ग्राफ्सी में जाने के बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद से मिलेगा आपको यहाँ पे मॉडर्न ये लिखा है, इस बिटसेंस एप्लीकेशन में मिलेगा। उसको शेयर करना, काइंड मास्टर पे क्लिक करना। फ्रेंड्स को नीचे आना, ये यहाँ पे जो
सिक्स नंबर इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट इसको ऐड करना, फर्स्ट फोटो में डन करना। उसके बाद क्या करना, उसको थोड़ा आगे आ जाना, उसके बाद जो फोटो प्रिंस क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्स में जाना आपको, और जो हॉलवेल 40 बिट्स एप्लीकेशन मिलेगा इफेक्ट नया इफेक्ट, इस पर क्लिक करना आपको। उसके बाद नीचे आना फ्रेंड्स, जो 10 नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना, डन करना। उसके बाद जो फोटो प्रिंस क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्स में जाना आपको, और इसको नीचे आना फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद को मिलेगा यहाँ पे कॉल में डीजे का ऑप्शन, पे क्लिक करना, जो फोन नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना, डन करना। तो फिर इसी तरह को इफेक्ट ऐड कर लेना यहाँ से, जैसे कि मैं ऐड करके दिखाया हूँ। फर्स्ट फोटो में हॉलवेल जो हॉलवेल पार्टी का जो 10 नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना, फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, क्लिक ग्राफ्स में जाना, और इसमें वो कॉल में डीजे का जो 4 नंबर इफेक्ट आपको इसको ऐड करना। ये जो इफेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से कोई जो 20 मॉडल्स फोटो में ऐड करना है, यहाँ तक सबसे पहले जो 21 सेलेक्ट किए थे यहाँ तक। उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, जिस फोटो का थोड़ा इंक्रीज किए थे, जो 13 लिए थे फर्स्ट वाला फोटो पे, तो फोटो पे क्लिक करना आपको। क्लिक करने के बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद में मिलेगा इफेक्ट, ये लिखा लव अगेन, इस पर क्लिक करना है, और ये जो 3 नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना, डन करना। उसके बाद जो फोटो फ्रेंड्स क्लिक करना आपको, क्लिप ग्राफ्स में जाना, स्क्रॉल के नीचे आना फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद यहाँ मिलेगा आपको और एक इफेक्ट, ये जो है मेमोरी लाइंस पे क्लिक करना, इसका भी 3 नंबर ऐड कर देना, डन करना। उसके बाद जो फोटो फ्रेंड्स तगड़ा बीट, फोटो पे क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्स में जाना फ्रेंड्स, फिर से जाना हॉलवेल पार्टी पे, और इसको अगर नीचे आना, जो 10 नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद जो सेकंड फोटो पे क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्स में जाना फ्रेंड्स, को अगर नीचे आना, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ को मिलेगा ये जो लगा 610 बिट्स एप्लीकेशन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इसको नीचे आना, जो 9 नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना। तो फ्रेंड्स एक फोटो में आपको हॉलवेल पार्टी वाला ऐड करना, एक फ्रेंड्स 610 बिट्स का इफेक्ट, यहाँ से को 12 फोटो में ऐड करना कुछ, यहाँ तक 12 फोटो में यहाँ तक ऐड हो जाने के बाद में, उसके बाद जिस फोटो फिर ज़्यादा रखे तो फोटो पर क्लिक करना, वो क्लिक ग्राफ्स में जाना है, और इसको अगर नीचे आना फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद यहाँ एक इफेक्ट मिलेगा, ये इफेक्ट का जो नाम है प्ले फुल, इस पर क्लिक करना फ्रेंड्स। जो एक ही इफेक्ट है इसको ऐड कर देना, जिसका डिजन 1 सेकंड और 1-2 सेकंड 2 पॉइंट पर रखे थे बस। उसके बाद जो फोटो फ्रेंड्स जिसका डिजन 6-6 पॉइंट पे है, तो फोटो पे क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्स में जाना, और फिर से हॉलवेल पार्टी पे, और जो 10 नंबर इफेक्ट है फ्रेंड्स फर्स्ट फोटो में ऐड करना, डन करना। उसके बाद जस्ट सेकंड फोटो पे क्लिक करना फ्रेंड्स, क्लिप ग्राफ्स में जाना आपको। क्लिप ग्राफ्स में जाने के बाद उसको नीचे आना, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ को मिलेगा स्वीट लाइट का ऑप्शन, पे क्लिक करना, उसको नीचे आना, और ये जो 17 नंबर इफेक्ट अपने इसको ऐड करना। तो फ्रेंड्स को समझ आ चुका इफेक्ट किस तरह से ऐड करना है, तो आपको इसी तरह से फोटो में सब में इफेक्ट ऐड करना फ्रेंड्स। लास्ट में जिस तरह मैंने दिखा दिया, और फर्स्ट में हर तरह को इसी तरह फोटो में इफेक्ट ऐड करना फ्रेंड्स, सॉन्ग के लास्ट तक इस तरह से ऐड कर लेते हैं, स्टेटस काफ़ी अमेजिंग बन के दिखेगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड, कुछ वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और अभी इसी तरह न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएट कर सके।